भोपाल में विधानसभा सदन के बाहर निकले मंत्री प्रहलाद पटेल ने बजट को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि चुटकी लेने के लिए तो आप भी ले सकते हैं, लेकिन तथ्यों की बात कांग्रेस को करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का वित्तीय प्रबंधन सदन में पारदर्शी रहा है, राज्य के हित में रहा है, इसलिए मैं सभी का धन्यवाद आभार करता हूं। पूर्व प्रधानमंत्री नरसिंह राव को भारत रत्न देने पर उन्होंने कहा कि मोदी जी का स्लोगन बेहद साफ है, सबका साथ सबका विश्वास और सबका विकास। जिन्होंने देश के निर्माण में योगदान दिया है, कांग्रेस ने भले उस आधार पर भेदभाव किया हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम किया है उसे हर वर्ग सराहेगा। उन्होंने कहा कि मुझे गर्व है कि इन लोगों के साथ मुझे राजनीति करने का मौका मिला। मैंने सदन में भी इंटरप्ट किया था कि चुटकी लेने के लिए तो आप ले सकते हो, लेकिन तथ्यों की बात कांग्रेस को करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का वित्तीय प्रबंधन सदैव पारदर्शी रहा है, राज्य के और भविष्य के हित में रहा है, और इसलिए मैं वित्त मंत्री जी का और हमारे मुख्यमंत्री जी का दोनों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, और चूंकि वो पारित हुआ है इसलिए सदन का भी आभार व्यक्त करता हूं। देखिए, मोदी जी का स्लोगन बड़ा साफ है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास। जो भी हमारी प्रतिभाएं रही हैं, जिनने इस देश के निर्माण में योगदान किया है, कांग्रेस ने भले उस आधार पर कभी भेदभाव किया हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, वो भी मोदी जी के नेतृत्व में, जो काम उनने किया है, मुझे लगता है देश का हर वर्ग सराहेगा। चाहे वो आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी हो, चाहे आदरणीय अडवाणी जी का नाम हो, चाहे वो आदरणीय चरण सिंह जी का नाम हो, चाहे आदरणीय नरसिम्हा राव जी का हो। और मुझे गर्व है कि कर्पूरी जी के अलावा बाकी जो नाम मैं ले रहा हूँ, मुझे कम से कम उनकी सानिध्य में राजनीति करने का मौका मिला है।